नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड का खूनी गैंग लगातार खबरों में बना हुआ है। कुछ दिन पहले बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर निकालने की बात तो आपको याद ही होगी। वहीं अब उनको बॉलीवुड से कुछ लोगों का समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा के इस मामले पर एक बयान ने मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा था कि वो इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ कोई कैंपेन चलाया जा रहा है। बताया गया था कि कार्तिक आर्यन को करण जौहर की बात न मानने की वजह से फिल्म से बाहर किया गया है। हाल ही में उन्हें शाहरुख खान की फ्रेडी से भी बाहर कर दिया गया था। कार्तिक आर्यन को लगातार कई फिल्मों से बाहर किया जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए खूब सारे ट्रेंड भी चलाए गए। अब अनुभव सिन्हा के बाद अपूर्व असरानी भी कार्तिक आर्यन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपूर्व ने ट्वीट कर इस बात को सभी के सामने रखा कि मैं अनुभव सर के इस हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने कार्तिक आर्यन के खिलाफ चल रहे इस पूरे प्रकरण को एक कैंपेन का नाम दे दिया है। एक साल पहले मैंने भी लिखा था कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया गया था, जिसके बाद मुझे कई लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ अच्छे के लिए बदल रहा है। अपूर्वा असरानी ने सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म और खेमेबाजी की बात उठाई थी। वहीं अप्रैल में जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि आर्यन अब उनकी आने वाली फिल्म दोस्ताना में दिखाई नहीं देंगे। ये ऐलान करण जौहर ने तब किया जब कार्तिक आर्यन ने 20 दिन की शूटिंग पूरी कर ली थी। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को हटाने का ये फैसला कहीं बॉलीवुड के खूनी गैंग से तो प्रभावित नहीं। फिल्म से निकालने के बाद धर्मा प्रोडक्शन ने ये जानकारी दी थी कि पेशेवर परिस्थितियों के कारण हम अभी फिल्म की शूटिंग बंद कर रहे हैं और हम कोलिन जी कुल्हा द्वारा निर्देशित दोस्ताना 2 को फिर से बनाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और आउटसाइडर इनसाइडर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। बॉलीवुड का एक तबका नेपोटिज्म को कोई मसला नहीं मान रहा, जबकि दूसरा इसे लेकर बार बार नाराजगी का इजहार कर रहा है। कई सेलेब्स इन पर अपनी राय भी रख चुके हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक्टर साहिल आनंद ने नेपोटिज्म पर अपनी बात रखी थी। उनका कहना था कि फिल्म मेकर आउटसाइडर को फिल्मों में मौका नहीं देते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टर को लेकर कई सारे ट्रेंड चल रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ अब बॉलीवुड में जाल बुना जा रहा है, जिसमें कार्तिक को फंसाने का काम किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।